नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ जुड़े हैं एशियन गेम्स में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले अखिल जी, अखिल शोरान जी। इन्होंने ना सिर्फ स्वर्ण पदक जीता है बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका उत्तर प्रदेश में। अखिल धन्यवाद जी। जी, कुछ मेरे सवाल हैं आपसे, सवालात हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि आपने गोल्ड जीता है, तो मेरा कुछ सवाल जी ये है कि आपने ना सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या जी लग रहा है बिल्कुल। आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? और मुझे अब ये बताइए कि कितनी दिनों की मेहनत थी आपकी, ये जो आपने ये कारनामा किया है। सर, मेहनत तो काफी लंबे समय से चल रही थी और काफी सालों से हम इस चीज की तैयारी कर रहे थे। इस चीज के लिए एक सपने के तौर पे लेके चल रहे थे। और मैंने इससे पहले वाला एशियन गेम्स भी खेला था 2018 में, जो जकार्ता में हुआ था। तो उस टाइम पे मैं असफल रहा था मेडल जीतने में, जी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी। और उस चीज को इन 4 सालों में एक बहुत ही खराब दौर, जिसे बोलेंगे आप कोविड, जो सबके लिए था, उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत करके अपने आप को उन सब सिचुएशन से निकाल के, अपने लक्ष्य को एकदम निश्चित करके हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इस बार जब एशियन गेम्स में गए थे तो हम काफी हद तक ये निश्चित थे कि मेडल लेके ही आएंगे, क्योंकि हम उस तरह की तैयारी कर चुके थे। और इससे पहले वाले जितने भी हमारे मैचेस हुए थे, कॉम्पिटिशन हुए थे, उनमें हमने वो सफलता हासिल की थी। तो हम काफी हद तक इस चीज में कॉन्फिडेंट थे कि भाई कर लेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड का हमारे उसमें दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं था, बट जब हम वहां गए, हमने परफॉर्मेंस देनी शुरू की और हम सभी साथियों ने मिलकर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 7 पॉइंट से तोड़ा है। बहुत बड़ी बात तो उस पॉइंट जी, वहां पे बहुत ही एक अलग माहौल था, एक अलग मौका था हमारे लिए, एक गर्व की बात थी हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, और हम उस चीज को बना पाए, कर पाए, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो किसका किसका इस मुकाम में आपके सहयोग रहा, किसने किसने आपको सहयोग किया, किसकी किसकी आपको हेल्प मिली इस चीज में? सर, सबसे पहला तो हेल्प मैं बोलूंगा हमारे मेरे माता पिता ने दिया है, कितना सपोर्ट किया है जब से शुरू की है तब से। और शुरू करने में जो भी, क्योंकि एक शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत महंगी महंगी चीजें आपको खरीदनी होती है। हमारे गन ही बहुत महंगी आती है, 4-5 लाख रुपए की एक वेपन आती है, .22 की। तो वो सब चीजें अरेंज करना, हमें इस लेवल तक पहुंचने से पहले का जो दौर था उसमें सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगा। फिर इस लेवल पे पहुंचने के बाद एक और ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, उनका जो सपोर्ट है, हमारा फेडरेशन है, हमारे कोचेस हैं जो इंडिया टीम के कोचेस हैं। और अलग से मैं एक श्रेय देना चाहूंगा मेरी जो पर्सनल कोच हैं, दीपाली देशपांडे जी हैं, मैम ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है और इंडियन चीफ कोच रह चुकी हैं। तो उनको मैं बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ हर कदम पे, मेरी हर ऊंचाई पे, हर निचाई पे, हर समय मेरे साथ थे। अच्छा अखिल जी, जैसे मेरी आपके पिताजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने 8वीं क्लास से ही गेम खेलना शुरू कर दिया था, बड़े भावुक हो गए वो। तो जी मेरा अगला सवाल ये जी है जी कि कैसे इस खेल में आपको इंटरेस्ट आया और आपका बचपन कैसे बीता, इस गेम में कैसे आया, कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आया इस खेल में? सर, मैं इस गेम के रुचि के बारे में कैसे शुरू हुआ तो लंबी कहानी में भी बोल सकता हूँ, बट फिलहाल मैं शुरू करूंगा सिर्फ एक लाइन से कि मेरे पापा एक किसान हैं और उस टाइम पे मेरे दादाजी भी किसान थे। हालांकि पढ़ाई सबने अच्छे से पूरी की थी, बट किसान में ही उस टाइम पे ज्यादा कुछ कर पाए वो, और कहीं मौके नहीं मिले। तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि आज के टाइम में, दौर में, आजकल ये होता है कि आप अगर खेलों में अच्छा कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो इस बात जी इस बात को लेके इस गेम के बारे में हमने थोड़ा सा सोचा। और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहां पे शूटिंग का काफी नाम है, जैसे जी जी
दादी चंद्रो हैं, दादी चंद्रो प्रकाशो हैं, हाँ जी, तो वो मेरे गांव से है, तो उन वो भी एक प्रेरणा थी हमारे गांव में और मेरे लिए भी, तो वो सब चीजें देखते हुए फिर मैंने देखा कि मेरे स्कूल में है ये एक गेम, तो मैं ट्राई करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक दो गेम और ट्राई किए थे बट कहीं पे इतनी कुछ सफलता नहीं थी। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि सबसे अच्छी बात थी इसकी इंडिविजुअल गेम था, हर चीज आपके सामने है, जो आप करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने है, कोई उसको छिड़कानी नहीं कर सकता। तो मुझे इस गेम की सबसे खास बात ये लगी। फिर जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में ही इसमें काफी अच्छा हूँ। तो विद इन एक साल के अंदर अंदर मैंने नेशनल क्वालिफाई किया, उसके अगले साल मैं इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई कर गया। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं स्कूल से धीरे धीरे ऊपर आया इन चीजों में, और चार सालों के अंदर 2012 में मैंने पहली बार अंतरराष्ट्रीय खेल टीम के लिए। मेरा सीधा सवाल है कि आपने पहली गोली कब दागी? सर 2008 में समर कैंप के टाइम पे मैंने चलाई थी। मैं बोलूंगा कि मई, अब मैं एग्जैक्टली डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है बट महीना मुझे याद है, मई का महीना था कि बहुत गर्मी होती थी, स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, तो मैं अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर डेली बस पकड़ के जाता था और अपने स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा था। तो कुछ समय तक तो सिर्फ खड़े रहने की अनुमति थी, उसके बाद धीरे 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 एक दिन वो समय आया जब मुझे कुछ गोलियां दी गई और बोला गया कि आज तुम्हारा वो दिन है, आज आप चला के देख सकते हो, आज अपना निशाना आप मतलब देख सकते हो कि कितना अच्छा है जी। अपनी स्किल्स को देख सकते हो, अपना ये भरोसा दिला सकते हो अपने आप को कि हाँ मैं शूटिंग कर सकता हूँ जी। आपको तो ये मेरे ख्याल से मुझको ये कब महसूस हुआ कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपके जिन्होंने आपको कोचिंग दी, जहां से आपने शुरू किया खेलना, कब आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इसमें ही अपना कैरियर बनाना है? सो जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ही साल में नेशनल क्वालिफाई कर लिया था जी। सो मैं जिस स्कूल से पढ़ता था तो वहाँ पे बाकी और भी खिलाड़ी थे, बट जिस स्पीड से मैं ऊपर जा रहा था, मैं एक के बाद एक क्वालिफिकेशन करते गया, मेडल भी जीते स्टेट लेवल में, फिर मैंने मेडल जीता गोल्ड मेडल एक सब जूनियर कैटेगरी में, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज थी कि उस टाइम पे कभी हुई नहीं थी मेरे स्कूल में जी। इतनी अचीवमेंट्स इस स्पीड से अचीवमेंट नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे कोच ने उस टाइम पे बोला, जो हमारे कोच होते थे स्कूल में, कि भाई आप कर सकते हो, आपको जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा फोकस देके आपको इसको करना चाहिए और आप इसमें काफी अच्छी सफलता पा सकते हो। तो उस टाइम पे सर मैंने जो है ये सोचा कि करूंगा। फिर मेरे पास एक और मुझे उस टाइम पे संकेत मिला था कि अगर आप अच्छी शूटिंग करते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं पढ़ाई में, तो आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है जहाँ पे सिर्फ 95-96% वाले लोगों को एडमिशन मिलती है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था स्पोर्ट्स कोटे से, हंसराज कॉलेज में, तो एक वो भी प्रेरणा मिली थी। और जब वहाँ पे मिला, वहाँ पे आगे दिल्ली हमें बहुत सारी चीजों से और मुलाकात हुई, चीजें देखी कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो सकता है, तो काफी सारे रास्तों का पता लगा, तब ये निश्चित हो गया था कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ। जी पहला मेडल आपको कब मिला, कब आपको पहली बार अपने काम के लिए, अपनी इस हुनर के लिए नवाजा गया, पहला मेडल आपको कब मिला? सर मेरा पहला मेडल मिला था मुझे 2008 में ही मिला था, जब मैं 8वीं क्लास में था, तो पहले ही सफलता पहले मैच में नहीं मिल पाई थी, मुझे क्वालिफाई किया था बट मेरे बाकी लोग जो है उनका अच्छा प्रदर्शन था मेरे से, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बात लगी कि नहीं मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी अच्छे स्कोर लगाने हैं। तो अगला एक कंपटीशन हमें मिला और वहाँ पे मैंने कोशिश की बट मैं वहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था, मेरे बाकी जो दोस्त थे वो क्वालिफाई होकर अगले कंपटीशन के लिए चले गए। फिर मेरे कोच ने बोला कि निराश मत हो, एक और कंपटीशन है आपके लिए, उसकी तैयारी करो। तो मैं वहाँ जब उसकी तैयारी की, उसमें गया, तो मैंने अपना पहला स्वर्ण पदक उस मैच में जीता था। अखिल जी मेरा अगला सवाल है, जीवन का एक इमोशनल पल जब आपको लगा हो कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो शेयर करना चाहिए, ऐसा कभी लगा हुआ कि आप यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं और आपको सपोर्ट मिला हो कहीं, आपको एनर्जी आई हो कहीं से? ऐसे पल तो सर खेल में
आते रहते हैं। जब आप नहीं जीत पाते हो तो आपको वो महसूस तो होता ही है, चाहे वो छोटी जीत हो या बड़ी जीत हो, या फिर आपका छोटा मौका हो या बड़ा मौका हो जो आपके हाथ से चला जाता है, तो ऐसे पल तो आते रहते हैं। बट मैं एक दो पल मैं बहुत ही एक सीख देने वाले थे मेरी जिंदगी में। पहला पल था सर जब मैं इंडियन शूटिंग टीम के लिए जब ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हो गया था, तो हम उस टाइम पे स्कूल के हथियारों से ही शूट करते थे, अपना हमारे पास था नहीं। तो जब हम वहां गए तो हमें पता लगा कि एक ही बार खेला जाएगा, एक ही टाइम पे खेलेंगे सब, और हम दो लोग थे स्कूल से खेलने वाले, हथियार एक ही था हमारे पास। तो एक मुझे जो है मैच छोड़ना पड़ा था, तो हमने डिसाइड किया था कि एक मैच मेरा दोस्त खेलेगा, एक मैं खेल दूंगा। तो उस टाइम पे अगर मैं वो मैच खेलता तो शायद मैं 2010 में ही इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाता। तो वो मेरे लिए बहुत ही निराशा वाला वो था। उसके बाद मैं एक जो बहुत ही सबक वाला मेरे लिए था वो था 2016 में जब मेरा ओलंपिक कोटा मिस हुआ था 0.1 से जी। जिस चीज के लिए मैंने पहली बार इंडिया टीम में आने के बाद जब ये सारी चीजें समझ गया कि ओलंपिक भी जाना है, एशियन गेम्स भी है, कॉमनवेल्थ भी है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब रास्ते पे चल रहे थे, तैयारी भी अच्छी हो रही थी, मुकाम भी हासिल कर रहे थे, मेडल भी जीत रहे थे, क्वालिफाई भी कर रहे थे, और मैं काफी नजदीक था ओलंपिक के जी। तो ओलंपिक कोटे के लिए मेरे पास चांस आया और मैंने मैच भी अच्छा खेला। फाइनल में जाके एकदम आखिरी में जाके मेरे से वो मौका एक शॉट पे वो छूट गया। और आपको भी पता है कि ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, तो आपको वो उस चीज के लिए 4 साल दोबारा आपको वेट करना है, और आप 4 साल से तैयारी कर रहे थे, तो आप वो 8 साल का समय था, और वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे ये जो मोमेंट्स होते हैं जो आपके बहुत ही नजदीकी से मिस होते हैं, वो काफी लंबे समय तक मेरे लिए चला। हालांकि मैंने उसको ओवरकम किया था, अगले साल ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेलने गया था पोलैंड में, वहां मैंने स्वर्ण पदक जीत के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन बन के उसको थोड़ा सा ओवरकम किया था, उस पर उस मौका उस मौके को मैं भूल पाया था, बट रहता था वो दिमाग में पहली, ऐसा मेरा था। अखिल जी, जब आपने मेडल जीत लिया तो जीतने के बाद सबसे पहली बार आपकी घर पे किससे बात हुई, या किसी खास से आपकी क्या बात हुई, किसी से ऐसा जिसने जिससे आपने अपनी खुशी जाहिर की वो सबसे पहले? सर मैंने अपने घर पे ही व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल करी थी मेडल लेने के बाद। तो जब मैंने किया तो पहली बार उन्होंने उठाया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वहां पे बहुत सुबह हो रही थी और वो शायद काम वाम में लगे होंगे। मैंने फिर से किया, दो बार किया, तो दूसरी बार में वो फोन उठाया मम्मी ने, और तो मैंने हंसते हंसते अपना ऐसे मेडल करके अपनी मम्मी को दिखाया। तो मेरी मम्मी से बात हुई थी, फिर मेरे पिताजी भी थे तो उनसे भी बात हुई, तो मेरे माता पिता से मैंने पहली बार बात की थी मेडल लेते उस टाइम पर। अखिल जी, आप एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल लेकर आए, अब आप खुद को आगे कहाँ देखते हैं, आपका आगे का प्लान क्या है? सर प्लान तो मैं अगर आपको बोलूं तो दो तरह के प्लान चल रहे हैं अभी फिलहाल। एक है लंबा प्लान जो है ओलंपिक, जिसके लिए मैंने अभी पिछले महीने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, तो उसकी तो तैयारी चल रही है, उसी को फोकस लेके सब चीजें चल रही है। उसके साथ साथ बीच बीच में कुछ मेजर कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, जैसे अभी एशियन गेम्स आया था हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी मैं 22 तारीख को फिर से कोरिया जा रहा हूँ एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो दूसरा मैं उसकी तैयारी में लगूंगा, क्योंकि ये भी 4 साल में एक बार आता है और इसमें एक बहुत अच्छा टाइटल मिलता है एशियन चैंपियन का, तो मैं उस टाइटल के लिए जाके अच्छे से उसको जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अखिल जी, जैसे कि आपने शुरुआत की, आपने बताया कि कुछ बुलेट्स मिली पहली बार तो मैंने निशाना लगाया, ऐसे बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं जो उभर रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में आने की, तो उनको आप क्या चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर शूटिंग में जितने भी खिलाड़ी हैं मैं उनको सिर्फ एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो समझे इस चीज को कि शूटिंग एक पेशेंस का गेम है, एक धैर्य का गेम है, जिसमें आपको बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी मेहनत करते रहना है और अपने मौके का इंतजार करना है। जैसे ही वो मौका आएगा आपको अपना हुनर दिखाने का, अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा,
तब आप अपनी परफॉर्मेंस दें। तब तक बहुत ही पेशेंटली आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखें, अपनी मेहनत को करते रहे। उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, जल्दी भी आ सकता है, वो आपकी मेहनत आपके तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ पेशेंस रखें, अपने समय का वेट करें और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, क्योंकि बिना अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज मेरी मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आपसे कुछ छूटेगा नहीं, आपको हासिल जरूर होगा, थोड़ा समय बाद होगा बट होगा जरूर। मेहनत के साथ साथ समय भी देना पड़ेगा और धैर्य के साथ काम किया जाए तो बिल्कुल सफलता मिलती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।